नमस्कार, मेरा नाम है यशोदा नागपाल और आप देख रहे हैं स्टोरी हाउ। हिंदी फिल्मों में आपने अदालतों की सुनवाई का दृश्य तो ज़रूर देखा होगा। इसमें कोर्ट के कटघरे में आने वाले गवाहों से गीता पर हाथ रखवाकर कसम खिलवाई जाती थी। अब आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिर गीता ही क्यों? क्या आपको मालूम है कि अदालतों में गीता के जरिए सच बोलने की शपथ लेने की प्रथा मुगलों ने 18वीं सदी में शुरू करवाई थी। मुगल काल में अगर कोई भी राजा किसी मामले को सुलझाने के लिए न्यायाधीश की भूमिका निभाता था तो गवाह को उसकी धार्मिक पुस्तक पर हाथ रखकर शपथ लेनी होती थी। हिंदू गंगा जल को भी हाथ में लेकर शपथ ले सकते थे। हिंदू कार्यवाही में कुछ भी कहते समय अपना हाथ गीता पर रखते थे। उस समय ऐसी मान्यता थी कि हर इंसान अपने धर्म, अपने भगवान के प्रति बेहद वफादार है, इसलिए लोग अपने धार्मिक ग्रंथ की शपथ लेते समय केवल सत्य ही बोलेंगे। ईश्वर से डर से सच बोलने का भरोसा के तौर पर गीता की शपथ अदालतों में ली जाने लगी। साल 1873 में ब्रिटिश सरकार ने समान प्रणाली यानी कि भारतीय शपथ अधिनियम 1873 लागू करके इस प्रथा को खत्म कर दिया, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस प्रथा को 1957 तक भी जारी रखा। इसके बाद 28वें विधि आयोग की रिपोर्ट में इस मामले को उठाया गया कि जो लोग भगवान में विश्वास नहीं रखते उन्हें धार्मिक पुस्तकों से शपथ लेने के बाद भी झूठ बोल सकते हैं। इस मुद्दे पर विचार करने के बाद अब भारत में किसी भी अदालत में भगवद गीता के जरिए सच की शपथ दिलवाने का काम खत्म हो चुका है। 1969 में आखिरी बार भारतीय अदालत में गीता का इस्तेमाल शपथ दिलवाने के लिए किया गया था। गीता के जरिए शपथ लेने की प्रथा का बंद होना एक महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन का परिचय करवाता है। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।